नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक 2 BHK फ्लैट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बैंग ऑन द हाईवे, जस्ट यहाँ से मनाली हाईवे है, 100 मीटर दूर है यहाँ से, एकदम रोड के ऊपर आपको 2 BHK देखने मिलेगा और काफ़ी खुला फ्लैट है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 12-सीटर सोफ़ा लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 12-सीटर सोफ़ा लगा हुआ है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे आपके दो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 टेबल की डाइनिंग टेबल लगी हुई है। टेबल आप पीछे करके देखें तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। अगर आप इसके ऊपर बैठ के भी देखते हैं तो आप देखें कि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आपके लेग के बीच में भी स्पेस है, इस साइड भी स्पेस है, यानी 10 लोग या 12 लोग इस सोफ़े पर आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके साथ और भी देखें तो ये देखें कि यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, 6-सीटर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके बालकनी के बारे में बताता हूँ, इसके अंदर आपको दोनों साइड बालकनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं पहली बालकनी दिखा देता हूँ इसके अंदर। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं, ये आपका मेन गेट हो गया, हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं ज़रा एक बार, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सीटिंग एरिया था, ये सीटिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको टीवी स्टैंड दिया जा रहा है, बिल्कुल टीवी स्टैंड है यहाँ पे, आपके स्विचेस लगे हैं आप देख सकते हैं, एकदम सीटिंग एरिया है यहाँ पे, आपके टीवी स्टैंड है प्रॉपर तरीके से, आप अच्छे से यहाँ पे टीवी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बालकनी दी हुई है, अगर आप देखें कि तो आपके सामने एक प्रॉपर स्पेस दिया गया है बालकनी में, आप देख सकते हैं कितनी खुली बालकनी है, देखिए कितनी खुली बालकनी है, पूरी बड़ी बालकनी है यहाँ से वहाँ तक की। और यहीं से अगर आप सामने देखें, सिर्फ 100 मीटर दूरी पे यहाँ से मेन हाईवे है, मनाली हाईवे। जी हाँ दोस्तों, मनाली हाईवे से रोड के ऊपर हम खड़े होते हैं तो वहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूरी पे यहाँ से विशाल मेगा मार्ट है, 150 मीटर दूरी पे यहाँ पे आपको रिलायंस मार्ट देखने को मिलेगा, CCD और सबवे भी पास में ही है यहाँ से। अब हम चलते हैं अंदर की साइड में। जैसे ही हम बालकनी से अंदर आते हैं, आपको मैंने बताया ये सीटिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आप टीवी स्टैंड लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी मेन एंट्री होगी यहाँ से, ठीक है। हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक मॉड्यूलर किचन दी हुई है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये एक मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे। हम मॉड्यूलर किचन के अंदर आते हैं, जैसे ये आप देखेंगे आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन दी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पर विंडो लगाई हुई है ताकि सनलाइट प्रॉपर तरीके से अंदर आ सके। मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं कि ये पूरी मॉड्यूलर किचन है यहाँ पर, इसकी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरी मॉड्यूलर किचन दी हुई है यहाँ पे, प्रॉपर फिटिंग दी हुई है हर टाइप की, आप देख सकते हैं आरओ के लिए भी प्रॉपर फिटिंग दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पूरी एकदम प्रॉपर फिटिंग है यहाँ पे, विंडो लगाई हुई है ताकि यहाँ से धूप अंदर आ सके। अब हम चलते हैं रूम की साइड, मैं आपको यहाँ पर रूम दिखाता हूँ कैसे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे ऊपर छत की, अगर हम देखें तो पूरे घर के ड्राइंग एरिया दोनों रूम के अंदर फॉल सीलिंग ऊपर दी हुई है, ये आपको इंक्लूड है इसके अंदर, प्राइस मनी के अंदर इंक्लूड होगी फॉल सीलिंग प्लस मॉड्यूलर किचन, ये आपका इंक्लूड होगा। ये एरिया आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, पूरा एरिया आप ये कस्टमाइज़ करा सकते हैं। कस्टमाइज़ से मेरा मतलब है, यदि आपको यहाँ पे टीवी स्टैंड लगाना है तो आप यहाँ पे टीवी स्टैंड लगा सकते हैं, क्योंकि सिटिंग एरिया सामने, उसके सामने आप टीवी स्टैंड भी लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे भी आप इसलिए टीवी स्टैंड लगा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, स्पेस लगाना चाहते हैं अपने घर के अंदर, तो यहाँ पर कबर्ड बना सकते हैं अपने तरीके से, अपने डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं स्पेस को, जैसे हमने इसको कस्टमाइज़ कराया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लाइट लगाई हुई है ताकि कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। हम चलते हैं रूम की तरफ, हमारे रूम के अंदर। ये हमारा पहला रूम है अभी का यहाँ का, ठीक है, 2 BHK फ्लैट का पहला रूम है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक टीवी स्टैंड दिया गया है, टीवी स्टैंड के सामने बिल्कुल आपका बेड है, दोनों साइड आपको प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, आप देखेंगे कि दोनों साइड आपको प्रॉपर स्पेस है, जितना स्पेस उधर है उतना ही स्पेस यहाँ पे है, यानी कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई पर्सन आपके पास रहने आए तो आप एक गद्दा या एक बेड यहाँ पे एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। अगर हम बाथरूम की बात करें इसके अंदर, हम जैसे ही बाथरूम के अंदर आते हैं, पूरे रूफ टॉप तक आपको टाइल्स दी हुई है, पूरे ऊपर तक आपको टाइल्स दी हुई है, गीजर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अंदर कमरे के अंदर आपको एसी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर फिटिंग की हुई है, वो आपको सब कुछ इंक्लूड मिलेगा इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर बाथरूम आपका जो रेडी है वो आपको इंक्लूड मिलेगा, पूरा यहाँ पे फॉल सीलिंग आपको कमरे के अंदर दी जाएगी। अगर आप थोड़ा इस साइड आते हैं तो इस साइड बालकनी आपको दी जाएगी, दोनों साइड बालकनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया,
उस साइड भी बालकनी है और इस साइड भी बालकनी है। और आपको इस रूम के अंदर एक कबर्ड दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कबर्ड काफ़ी खुली है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग है, ये यहाँ पे आप मिरर लगा के पूरा ड्रेसिंग तैयार कर सकते हैं। ये स्पेस हमने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इसको कस्टमाइज़ कराएं तो या तो आप यहाँ पे स्पेस पे शीशा लगा सकते हैं या इस कबर्ड को थोड़ी आगे इंक्रीज करा के एक शीशा यहाँ लगा सकते हैं ताकि आपका सारा सामान इसके अंदर फिट हो जाए ऐसे, ठीक है। इसलिए स्पेस छोड़ा हुआ है, अपने तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये प्रॉपर कबर्ड बनाई गई है, आप देखें तो पूरे स्पेस है इसके अंदर, ऊपर तक इसके अंदर कबर्ड है पूरी। ये आपके इंक्लूड है इसके अंदर, पूरे हाउस के अंदर ये इंक्लूड की जाएगी आपको। आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब मैं आपको दूसरे रूम से समझाऊंगा किस प्रकार से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। आपने देखा पूरा रूम है, पूरा तैयार है रूम एकदम। आपको इसके अंदर कबर्ड मिलेगी, फॉल सीलिंग मिलेगी इसके अंदर, बाथरूम फिटिंग मिलेगी प्रॉपर, ऊपर रूफ टॉप तक टाइल मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसके दूसरे रूम में लेके चलता हूँ। जैसे ही हम दूसरे रूम की तरफ आते हैं इसके अंदर, आप देखेंगे जैसे ही आप रूम के बाहर आते हैं इसके अंदर, तो आपके पास में ही एक दूसरा रूम है इसके अंदर। आप जैसे रूम के बाहर आए, आपने देखा कि पास में ही एक दूसरा रूम है। जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो इसमें भी एक टीवी स्टैंड लगा हुआ है, जस्ट आपके बेड के बिल्कुल सामने टीवी स्टैंड है। कस्टमाइज मैंने आपको कबर्ड के बारे में बताया कि आप उस रूम में कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जैसे इस रूम में कस्टमाइज़ का मतलब कैसे होगा कि दो कबर्ड दोनों साइड है, या तो आप ऐसा बनवा सकते हैं या इसको ऊपर से जॉइंट करवा सकते हैं, पूरी कबर्ड को ऊपर तक रूफ टॉप तक जॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कबर्ड आप उधर साथ में जो स्पेस बचा हुआ है उस साइड कबर्ड के पास लगा सकते हैं। ये कस्टमाइज़ का मतलब होता है कि आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्पेस दिखाता हूँ इसके अंदर कितना कबर्ड के अंदर स्पेस है। यदि आप देखें तो इस कबर्ड के अंदर काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है कबर्ड के अंदर, काफ़ी स्पेस है। दोनों साइड कबर्ड में सेम स्पेस है, प्रॉपर फिटिंग की हुई है। अगर आप देखें साइड में, दोनों के ही साइड में स्विचेस दिए हुए हैं, उस साइड भी स्विच है, इस साइड भी स्विच है, फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं आप, यहाँ पे अपनी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा बाथरूम के बारे में बताता हूँ मैं, जस्ट बेड के पास में इसमें बाथरूम है। जैसे ही आप बाथरूम के अंदर एंटर करते हैं इसके अंदर पूरी रूफ टॉप तक आपको टाइल्स दी जाएगी, प्रॉपर एक विंडो दी गई है इसके अंदर, ठीक है। और प्रॉपर स्विचेस वगैरह इसके अंदर है, गीजर का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, फिटिंग प्रॉपर दी जाएगी, पूरी बाथरूम की फिटिंग आपको प्रॉपर अच्छे से दी जाएगी, ठीक। जैसे हम थोड़ा बाहर आते हैं मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ कि क्या क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहली बेनिफिट कि ये एक बैंग ऑन द रोड है, यानी सिर्फ 100 मीटर या 105 मीटर दूर है हाईवे से, मनाली हाईवे है, बिल्कुल लांड्रा खर्ड रोड के सेंटर में ये पड़ता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे विशाल मेगा मार्ट है, 150 मीटर की दूरी पे रिलायंस मार्ट है, वहीं पे आपको सबवे मिलेगा, सीसीडी भी वहीं पे है बिल्कुल जस्ट पास में। तो राशन पानी की, खाने पीने की सब कुछ चीज़ें पास के अंदर है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हॉस्पिटल है। अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे बस स्टैंड है, ऑटो वगैरह 24/7 चलते हैं यहाँ पे, पानी सप्लाई आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ दी जाएगी। इस हाउस के अंदर आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग दी जाएगी पूरे हाउस के अंदर, मॉड्यूलर किचन आपको दी जाएगी इसके अंदर। हम बात करें तो जैसे मॉड्यूलर किचन थी पास में, ये मॉड्यूलर किचन आपको दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूलर किचन के साथ हम बात करें तो दोनों कमरों में आपको कबर्ड दी जाएगी, मैंने कबर्ड के बारे में बताया था कि दोनों कमरों में आपको कबर्ड दी जाएगी इसके अंदर। पूरा स्पेस है इस रूम के अंदर, दो साइड बालकनी है इसके अंदर। साइज़ की बात करें पूरे हाउस की, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, साथ साथ में मैंने वीडियो के अंदर भी मेंशन किया एरिया वाइज साइज, तो पूरा साइज जो है इस फ्लैट का वो 107 गज है। जी हाँ दोस्तों, और मैक्सिमम बात करें 2 BHK फ्लैट की, आपको 100 गज, 95 गज या 90 गज के मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये 107 गज का फ्लैट है पूरा, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, बैंक ऑन द रोड है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, या फिर आप देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, एक विजिट कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी डिमांड में है क्योंकि बैंक ऑन द रोड है।